कहीं एक कोट पढ़ा था, संगीत और प्रकृति सबसे बढ़िया दवाई है, प्राणों का इससे पोषण होता है। पिछले कुछ दिनों से अनुभव भी किया और डॉक्यूमेंट भी किया है। नमस्कार, मैं हूँ मधुसागर। आज का एपिसोड इसी पर आधारित है। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी जगह पर सेटल होना चाहूँगी जहाँ पे शांति हो, सुकून हो और नेचर हो। लवासा में आकर ये सब मुझे मिल गए। अभी बादल आ गए हैं और बारिश भी आने ही वाली है। बारिश आने पर सारा नज़ारा ही बदल जाएगा। सुबह से शाम तक बारिश को ऑब्ज़र्व करना मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। पहली बार बारिश के बाद अगले दिन सुबह जब मैं पेड़ पौधों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। उनमें एक जान सी आ जाती है। यहाँ के स्थानिक लोग आज भी संगीत से जुड़े हैं, सोचा उनसे भी संगीत के बारे में जान लूँ। ये गुरु शिष्य की जोड़ी पखवाज बजाते हैं। पखवाज भारतीय संस्कृति से जुड़ा बहुत ही प्राचीन वाद्य है। इसे मृदंग भी कहते हैं और गुरुजी इससे 50 सालों से बजाते हैं। पखवाज हिंदी में ही बोलते हैं, मृदंग मराठी में बोलते हैं। अच्छा, तो तब आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये सीखा? 27-28 साल की उम्र। 28 साल की थी। और अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 75। ये बजाने में आनंद इतना है कि भगवान की सेवा है। तो क्या हम भी सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं। कोई भी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है। इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होना। अभी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो यही बजाने में आपको क्या अच्छा लगता है? ये ढोलक से स्वर अच्छा निकलता है, स्वर कान में घुस गए ना, सारे गम ऐसा, तो स्वर ध्यान में रखना चाहिए, सुर की समझ चाहिए। समझ।
दा दिन दिन दा दा तीन तीन ता ही वारकरी ठेका है और दिनना दिन दिना दिनना तीन दिना ये उंगली से बजाता है। दिनना दिन दिना गधिनना तीन तिना गधिनना दिन दिना गधिनना तीन तिना गधिनना दिन दिना गधिनना तीन तिना। गुरु जी पहले मिल में काम करते थे, वहाँ उन्होंने अपने सीनियर मिल वर्कर से इसे सीखा और अब वो सुहास जी को सिखा रहे हैं। गुरु जी सिक्योरिटी में काम करते हैं और सुहास जी की अपनी दुकान है, काम ख़त्म करने पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम सुहास मोरे है। मैं अभी एक दो साल से मृदंग सीखना चालू कर दिया, अभी थोड़ा थोड़ा आता है भजन। ये ताले वारकरी ठीका सीखने के लिए मुझे अच्छा लगता है। पहले से मैंने सोचा था ये कुछ भगवान की देन जैसे लगता है, जब बजाते हैं तो अच्छा लगता है। लोग मैं देखता था बजाते टाइम तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो अभी मैं दो साल से सीखता हूँ, या दिन भर काम करके शाम को एक आधा घंटा बैठ जाता हूँ और जब जब टाइम मिलते है, दोपहर को भी मिलता है शाम को भी मिलता है, तब बैठ जाता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि आपको लवासा में ही आपकी जो है गुरु भी मिल गए। उनका चालू है 35-40 साल हो गए अभी। ये तो क्या अच्छा बजाते हैं, और इन्होंने मेरे को अभी दो साल से चालू किया है सिखाना, अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ। ताल चौताल मात्रा 12 धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धा। ताल त्रिताल अच्छा वो सब जगह पे बजता है। हाँ। वारकरी और फिल्म में त्रिताल ज़्यादा बजता है और मैं भी ठेका पहचान लेता है। धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन ता तीन तीन ता ता दिन दिन ता दिन दिन ना ता दिन दिन ता तीन तीन ना ता दिन दिन ना। Thank you.
ताल वार करी है, विठ्ठल विठ्ठल दादा धिंत कत कत दादा धिंत कत दागिन ताक गिन गी गीताक गिनता गी गीता गी गीता गी गदी गन गदी गन गदी गन गदी गन। आज इंसान घबरा सा गया है, ज़रूरत है सुकून की। कुदरत के कण कण में संगीत है। संगीत और प्रकृति दोनों इंसान को सुकून देते हैं। आज मैंने जाना कि हमें प्रकृति और संगीत को अपना आधार बनाना चाहिए।